अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राइमेलासिन क्रीम के बारे में बताऊंगी कि कैसे आज में फ्रैकल्स और मेलास्मा को कंट्रोल कर सकती है, इनको रिमूव कर सकती है, और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे और साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। इसके अलावा हमारे चैनल की बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड जिस आती है जल्दी से आप तक पहुँच जाए। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ट्राइमेलासिन आमतौर पर फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन के लिए यूज़ की जाने वाली क्रीम है। मैन्युफैक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो ये इसको वेलर फार्माक्यूटिकल वाले प्रोडक्ट करते हैं। जो एक पाकिस्तानी फार्मेसी है। प्राइस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये 30 ग्राम आपको 240 रुपीज़ की अवेलेबल होगी। आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से इसको बाय कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो इसको बनाते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है फ्यूसिलोन है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, स्वेलिंग को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये रेडनेस को भी ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद है। बहुत सी क्रीमों में ये शामिल होता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है ट्रिटिनोइन है, ये विटामिन ए होता है। ये भी बहुत सी क्रीम में यूज़ किया जाता है। ये आमतौर पर एक्ने को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और एक्नी मार्क्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है हाइड्रोक्विनोन है, जो ब्लीचिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है और वाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है बहुत सी क्रीमों में। यह यूरोपीय ममालिक में बैन किया गया है। इससे फ्रैकल्स ख़त्म होती हैं और पिगमेंटेशन किसी हद तक क्योर होती हैं। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 इंग्रेडिएंट्स जो है इसके साइड इफेक्ट भी हैं। स्किन को पील ऑफ कर देंगे अगर आप इसको एक्सेसिवली यूज़ करते हो। इसके अलावा रेडनेस हो सकती है और एरिटेशन हो सकती है, जिससे अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो रेडनेस हो सकती है और आपके डार्क पैचेस ज़्यादा वाजा हो सकते हैं, ज़्यादा डार्क हो सकते हैं। हो सकता है वक्ती तौर पर आपकी क्रीम ये आपको फ़ायदा दे, लेकिन बाद में इसके सीवियर साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर निमदार होना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन पील ऑफ होगी, रेडनेस होगी और डार्क पैचेस ज़्यादा वाजा होंगे। कोशिश कीजिए कि इस क्रीम को अवॉइड कीजिए। अगर यूज़ करना है तो सिर्फ टारगेट एरिया पर इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टिप के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में याद रखिएगा।